नमस्कार, मौजूद स्टोरी पे आपका स्वागत है। हम भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ ऑफिस में और यहाँ पे होली पहले ही मनाई जा चुकी है। यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता है जो अलग अलग वेशभूषा में आए हैं। यहाँ पे एक कार्यकर्ता, हम इनसे पूछेंगे क्या इनकी ये वेशभूषा क्या है, थोड़ा कुछ समझाइए हमें। मेरा नाम है सिल्वर गांधी, मैं स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत मिशन और गांधी जी ने जो स्वप्न देखा था उसको प्रधानमंत्री साकार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का स्वप्न को मैं आगे लेकर जा रहा हूँ। तो मैं पूरी भारतवर्ष पैदल यात्रा करके 2000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके आया हूँ यहीं तक, सिर्फ योगी जी के लिए, मोदी जी के लिए। 2000 किलोमीटर की जो है यात्रा करके आए यहाँ पे और पूरा होली जो है यहाँ पे तरीके से मनाई जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक रुझान है उसमें काफी आगे चल रही है। यहाँ पे कुछ और लोगों से बात करेंगे, आप बताइए, आप अपना नाम बताइए और जो जीत है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, आप ये बताइए जो पूरी जीत है इसको आप किस तरीके से, जिस प्रकार से अभी तक बीजेपी आगे चल रही है, किसको किसको आप श्रेय देंगे इस जीत का? माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी और 25 साल तक सरकार हमारी रहेगी। और यहाँ पे कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्या है उनका पूरा, यहाँ पे आए हैं आप देख सकते हैं किस प्रकार से पटाखे, झंडे, लहर, कलर ही कलर, यहाँ पे पूरी तरीके से भगवा कलर, ये देखिए यहाँ पे एक तंज भी दिया जा रहा है समाजवादी पार्टी को कि मशीन को लेके कुछ बात बोल रहे हैं। हम अब आपको दिखाते हैं, मैं अपना कैमरा पर्सन से अनूप से कहूँगा कि थोड़ा आगे आए और दिखाइए कि क्या है ये पूरी चीज, आइए समझते हम पूछते हैं। ये थोड़ा दिखाइए, आप हमें जरा समझाइए ये क्या है। मशीन वही तकनीक नहीं बाबा जी की, जो क्या ये क्या किस चीज़ के? ये माफियाओं के लिए है, माफियाओं के ऊपर। अभी तक उनके जो कब्जा किए हुए जमीन थे उन पे बुलडोजर चला है, फिर भी ना माने तो ऐसे बुलडोजर पे बाबा जी टांगेंगे उनको, सिर्फ माफियाओं के लिए। ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो बुलडोजर, पूरा एक कैंपेन चला है बुलडोजर का, बाबा का बुलडोजर, उसका भी काफी असर यहाँ पे चुनाव पे पड़ा है। कैसे आप देखते हैं इस पूरी जीत को? अभी तक आप बीजेपी आगे चल रही है, कितने पे ये आंकड़ा रुकेगा? माफिया राज, गुंडा राज, इन सबसे छुटकारा दिलाया बाबा जी ने। महिलाओं का निकलना मुश्किल हो रहा था, अभी शान से महिलाएं सड़क पे चल रही हैं, इन सबका असर ये है बाबा जी का। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि किस प्रकार से राशन और शासन, ये दोनों ही चीजें यहाँ पे काफी लंबी चली है। ये आप देख सकते हैं, ये फोटोज आप देख सकते हैं, यहाँ पे बकायदा होली मनाई जा रही है और किस प्रकार से ये आप पोस्टर देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग लोग, पूरा होली का माहौल है यहाँ पे, किस प्रकार से जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। हम और लोगों से बात करेंगे, आप बताइए ये जो जीत है कैसे देखते हैं आप इस जीत को? बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया जीत हुई है और हर मोदी हर योगी की जीत हुई है इस समय यहाँ पे, मोदी और योगी जी। कितना ये आंकड़ा कितना ऊपर जाएगा, क्या है आज का पूरा जश्न? आज का पूरा तस्वीर बहुत बेहतरीन है और ये बहुत ऊपर तक जाएगा आगे, हमारी पार्टी बेहतरीन कार्यों के मजबूती से बेहतरीन तरीके से जाएगी आगे। एक चीज मुझे बताइए, कौन से दो बड़े जो मुद्दे थे जिनको लेके बीजेपी लड़ी इस चुनाव में? बीजेपी का जो मुद्दा था सबका साथ सबका विकास, जो महान गरीब से गरीब व्यक्ति उसका भी कल्याण हुआ है और सारी जो सुविधाएं थी वो सबको प्राप्त हुई है, किसी में किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं रहा है और सब एक समाज आज के अनुसार सबको कार्य मिला है। तो ये आपने सुना कि यहाँ पे जो एक तरीके से बहुत ज्यादा भीड़ है, यहाँ पे आप नाच गाना देख सकते हैं, तिरंगा देख सकते हैं, लोग छतों पर है और योगी मोदी और ये बताइए, आप बताइए कि ये जो पूरा जीत है इसका श्रेय आप किसे देंगे, कौन से बड़े दो मुद्दे थे? सबसे बड़ा मुद्दा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व है और बाबा जी का जो बुलडोजर चल रहा है बुलडोजर की जीत है, भ्रष्टाचारियों पे जैसे 5 साल बुलडोजर चला है उसकी जीत है और इसी प्रकार आगे भी चलता रहेगा। और ये जो समाजवादी पार्टी है ये कह रही है कि एक तरीके से ईवीएम की भी बात कर रही है, ईवीएम को लेकर, उसको आप कैसे देखते हैं? अब ईवीएम चिल्लाएंगे कुर्ता फाड़ के, ये तो पहले से चलता आ रहा है, चिल्लाते रहेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ जो अपने आप को पिछड़ा नेता कहते थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर, इनकी सबके जमानत जब्द होने वाली है, ये जो 85% का राग अलापते थे वो सब फेल होने वाला है, उनकी जातिवादी राजनीति नहीं चलेगी अब। और हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, आप बताइए ये हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता है यूपी में, अच्छा जीत का जो श्रेय है ये किसे, योगी या मोदी, किस पे ये श्रेय? कौन क्यों? हमारे योगी मोदी जैसे नेता कोई नहीं होगा। बहनों को सुरक्षा दिया, बहनों को राशन दिया, बहनों को कोरोना से बचाया, बहनों को घर दिया,
बहनों को शौचालय दिया। ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पूरा होली का माहौल है। ये दो अहम मुद्दे रहे हैं, एक राशन और एक शासन, ये दो अहम मुद्दे रहे जिनके ऊपर जो है पूरा कैपिटलाइज किया है भारतीय जनता पार्टी ने। मैं अभी हम यहाँ पे मौजूद है, आपको आगे की और अपडेट देते रहेंगे। कैमरामैन अनूप के साथ मैं अमित। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Voter Story and support independent, robust journalism.